पंजाब सरकार सूबे का नाम खेडा विच उच्चा करने वाले नूं रोजगार देने की तैयारी विच इसलिए बनाई गई एक नवी नीति। सीएम मान ने कहा कि पंजाब के खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहिओ नूं एक नीति तैयार करके जल्दी तो जल्दी कैबिनेट अगे पेश करने लई कहा गया है। आरटीए दफ्तर संगरूर विच घोटाले का होया खुलासा, दो कलर्का, दो विचोले अते प्राइवेट एजेंट खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज। भ्रिष्टाचार नूं खत्म करने लई पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का चल रहा अभियान, जिस तहत हुई कार्रवाई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं चमड़ी की बीमारी तो प्रभावित पशुआं का टीकाकरण अते इस बीमारी कारण मरण वाले पशुआं दी लाशां दी सही निपटारा करन दे निर्देश दित्ते। जिले में बंद कैदियों के जीवन में सुधार लियाउण अते उन्हां नूं मुख धारा विच लियाउण लई जेल विभाग वल्लों हरेक जेल में पंजाब विद्यार्थियों की समर्था वाले कमरे बनाउण दी योजना उलीकी गई है। जिले में बंद कैदियों के मार्गदर्शन लई लाइब्रेरी सहूलतों का किया गया विस्तार। सबका पीसीएस अधिकारी प्रीतम सिंह घुमेदान का 100 साल की उम्र में होया देहांत। उन्होंने सारी उम्र पंजाब के दरियाई पानिया प्रदेशों और पंजाब के वांझे हुए हक्कां ते पहरा दिता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हां दी मौत ते प्रगटाया दुख। दलित भाईचारे ने अज मुख्यमंत्री भगवंत मान के नाल की मुलाकात, जिस विच भाईचारे दीआं सारीआं मंगां मन लईआं गईआं। वाल्मीकि भाईचारे ने सीएम मान की कीति तारीफ, कहा अजिहा मुख्यमंत्री वेख्या पहली बार। पटियाला के लोगों को हुण 24 घंटे मिलेगी नहरी पानी की सहूलत। जल सप्लाई प्रोजैक्टों को 1 साल विच पूरा करन दे दिते निर्देश। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर ने इस काम की की देखरेख। उपरंत विभागी अधिकारियों इस प्रोजैक्ट को 1 साल के अंदर अंदर मुकम्मल करन दे दिते निर्देश। कच्चे अध्यापक यूनियन ने अज सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस नाल मीटिंग तो बाद अपना बांदरा सद्दा लिया वापस। दस दिए कि इस मीटिंग विच पंजाब सरकार वल्लों कच्चे अध्यापकां दीआं सारीआं मंगां मन लईआं गईआं। खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने लुधियाना के पिंड मंडियाणा की कांग्रेस सरपंच गुरप्रीत कौर को नशा विरोधी अभियान शुरू करने दी वधाई। कहा गुरप्रीत कौर वालों नशे की समस्या लिए चुकया कदम प्रेरणा का स्रोत। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सूबे में भ्रिष्टाचार विरुद्ध चल रही मुहिम दौरान एडीए पुड्डा भवन अमृतसर विखे तैनात एक चपड़ासी अमृतदीप सिंह 12,000 रुपए की रिश्वत लेंदिया रंगे हथी किया काबू। इस मामले में फरार मुलजम एसडीओ पुड्डा विजयपाल सिंह की भाल जारी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने की रेड। उन्होंने कहा कि सीबीआई का करते हैं स्वागत, जांच विच देंगे पूरा सहयोग ताजो सच जल्दी सामने आ सके। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कसिया तंज। कहा जिस दिन दिल्ली के सिक्ख्या मॉडल की तारीफ हुई अते अमरीका के सब तो वड्डे अखबार के पहले पन्ने ते मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसे दिन केंद्र ने मनीष के घर भेजी सीबीआई। अज पूरा देश मना रहा है श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म दिहाड़ा। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी वधाई। ट्विटर से पीएम मोदी ने लिखा, जन्माष्टमी के शुभ मौके पर सारे देशवासियों को शुभकामनावां। भगती और खुशी का यह त्यौहार सारे के जीवन में खुशहाली और चंगी किस्मत लेके आवे। इस दे नाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ट्वीट कर दित्तियां शुभकामनावां। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मौके गांधी परिवार ने भी देशवासियों को दी वधाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट राही लोगों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मौके पर दित्तियां शुभकामनावां। जम्मू कश्मीर के भाजपा आगू कुलदीप राज गुप्ता का अज होया देहांत। 86 साल गुप्ता नूं घर विच डिगन ते लगियां सन सट्टा। सरकारी मैडिकल कॉलेज विच इलाज दौरान पिया दिल का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। महाराष्ट्र के औरंगाबाद अग्निपथ भर्ती योजना लई शरीरिक जांच दौरान 22 साल नौजवान होया बेहोश। सरकारी हस्पताल विच इलाज दौरान हुई मौत। सरकार जनतक खेतर के बैंकों के वड्डे पद्धर से निजीकरण की प्रक्रिया च। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरबीआई बैंक का लेख साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया हमला। कहा मोदी सरकार कर रही है मनमर्जी। पश्चिम बंगाल प्रशासन को मिली वड्डी सफलता। पाबंदीशुदा अतवादी संगठन KLO के कमांडर कैलाश कोच ने पत्नी समेत किया आत्मसमर्पण। सूबे के पुलिस हेडक्वार्टर भवानी भवन विखे पुलिस डायरैक्टर जनरल मनोज मालविया की मौजूदगी विच सौंपे हथियार। देश में कोरोना के मामले 25% का उछाल। पिछले 24 घंटे 15,744 मामले आए सामने। इस नाल ही एक्टिव केसा की गिनती 1 लाख तो हुई पार। पिछले 24 घंटे कोरोना कारण 47 लोगों की मौत। खेल गनर मंत्री कैटी रामा राव ने अज सोशल मीडिया से किया ट्रोल। कहा गुजरात के बिल्किस बानो जबर जनाह और कतल केस विच 11 दोषियों की रिहाई नहीं ठीक लगता सरकार दोषियों के नाल।
त्रिपुरा च अतवादी हमले च बीएसएफ दे एक जवान होया शहीद। ए हमला उत्तरी त्रिपुरा च खंगलांग सरहदी चौंकी नेड़े वापरिया। भारी हथियारां नाल लैस अतवादियां ने बीएसएफ जवानां ते कीती गोलाबारी। जवानां ने कीती जवाबी कार्रवाई। मुंबई च होया वड्डा हादसा। बोरीवली दे साई बाबा नगर च पंज मंजिले इमारत डिगी। इमारत खाली होण करके जानी नुकसान तो रहा बचा। मुख्तियार अंसारी दे परिवार ते सरकार दी वड्डी कार्रवाई। मुख्तियार अंसारी दे भरा अफजल दे फार्म हाउस सने तीन प्रॉपर्टियां नूं कीता कुरक। पत्नी अते बेटियां दे नां प्रॉपर्टी दी वी कीती कुरकी। दे नाल ही 12 करोड़ 35 लाख दी प्रॉपर्टी वी कीती जब्त। उत्तर प्रदेश सबार्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने साल 2022 च दूजी बार आयोजित होने वाली मुढ़ली योग्यता प्रीख्या की मिति विच कीते वड्डे बदलाव। हुणे लाजमी योग्यता प्रीख्या 15 ते 16 अक्टूबर नूं होवेगी। कमीशन वालों कुछ दिन पहला जारी किए गए कैलेंडर अनुसार योग्यता प्रीख्या होनी सी 18 सितंबर नूं, पर कुछ कारणां करके इस प्रीख्या दे शेड्यूल नूं कीता गया बदलना। हिमाचल की राजधानी शिमला च 21 ते 22 अगस्त को राष्ट्रीय महिला पुलिस अधिकारियों का होगा सम्मेलन। हालांकि सम्मेलन च पहला गृह मंत्री अमित शाह के आने की सी उम्मीद, पर वह रुझेवियां कारण नहीं आ रहे। इस विच देश भर तो लगभग 300 महिला पुलिस अफसर कॉन्स्टेबल DGP रैंक के अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद। दुनिया भर च जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा है। उत्थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अहुदे की दौड़ शामिल ऋषि सुनक ने जन्माष्टमी के मौके पर लंदन के एक मंदिर के अपनी पत्नी अक्षा मूर्ति के नाल भगवान कृष्ण जी की पूजा की। अमरीका के कैलीफोर्निया सूबे च वीरवार को 2 छोटे जहाज हवा च टकरा गए। इस हादसे च घट्टो घट 2 लोगों की मौत हो गई। यह घटना वाटसन विले शहर च उस समय वापरी जदों 2 जहाज इकट्ठे ही स्थानक हवाई अड्डे तो उतर रहे सन। स्थानक अधिकारियों के वालों ट्विटर से की पोस्ट मुताबिक हादसे च कई लोगों के मारे जाने का जताया जा रहा खदशा। साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सब तो भरोसेमंद ते नज़दीकी अधिकारियों के विचों ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी एलन वेजरबर्ग ने मैनहट्टन न्यूयॉर्क च टैक्स चोरी के 15 मामलों के विच अपने दोष स्वीकार कर ले। कंपनी के नाल टैक्स चोरी के मामले की साजिश के दोष नूं स्वीकार करते हुए भी उसने ट्रंप ते उसके परिवार खिलाफ मुँह नहीं खोलिया। संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन के रूसी हमलों के विचकार युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक हल लभण के लिए यूक्रेन पहुंचे। गुटेरेस ने लिवीव विच रूसी हमलों के कारण हुई तबाही का जायजा लिया। नाल ही तुर्की के राष्ट्रपति एरदोआन की मौजूदगी विच अनाज की सप्लाई निर्विघन रखने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंसकी के नाल गलबात की। पाकिस्तान ने गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर के 15वीं संवैधानिक सोध लागू कर दी है, जिसके खिलाफ पूरे POK के जबरदस्त रोस है। पाकिस्तान सरकार विरुद्ध लोगों ने खुलकर बगावत की। स्थानक लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हमेशा दिल्ली वंडे रखने के लिए रची है साजिश। सऊदी अरब की एक अदालत ने 34 साल सलमा अल शहाब, जो कि UK की लीडर्स यूनिवर्सिटी तो डॉक्टरेट करने तो बाद खोज दे विच लगी हुई से, उसनु 34 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। उन्होंने ते असंतुष्टों द्वारा किए गए ट्वीट नु रीट्वीट करके अफवाह फैलाने का दोष है। जिक्रयोग है सलमा के 2 बच्चों की माँ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश दी औरतों नू 10 या इस तो वध बच्चे पैदा करने की अनोखी पेशकश की है। इसके बदले उन्होंने पैसे भी दिए जाएंगे। इसके नाल ही माहर पुतिन की इस पेशकश नू निराशा दे विच लिया गया फैसला मान रहे हैं। राष्ट्रपति के नवे प्रस्ताव के अनुसार सरकार 10 बच्चों नू जन्म देने ते उन्होंने जिंदा रखने के बदले दे विच मावां नू देंगे लगभग 13 लाख रुपए। श्रीलंका के सबका राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपनी पत्नी और बेटे नाल अमरीका जाण ते उत्थे रहण दे लई अमरीकी ग्रीन कार्ड मिलन दी उड़ीक कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट दे विच इस गल दी पुष्टि की गई है। अमरीका दे विच राजपक्षे दे वकीलां ने पिछले महीने ही ग्रीन कार्ड दे लई उन्हां दी अर्जी दी प्रक्रिया शुरू कर दी सी, क्योंकि वह अपनी पत्नी लोमा राजपक्षे दे अमरीकी नागरिक होण कारण अर्जी देण दे योग हन। रूस के उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मंतूरोव ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नाल मुलाकात की। रूसी सरकार ने दसिया कि वह व्यापार आर्थिक विज्ञानिक तकनीकी और सभ्याचारक सहयोग के लिए अंतर सरकारी रूसी भारतीय कमीशन के रूसी हिस्से के चेयरमैन वजो मीटिंग शामिल हुए। अमरीकी वफद 8 दिनों के भारत दौरे पर आएगा। यह वफद 30 अगस्त को अमरीकी सैनेटर जोहन योसफ की अगुवाई में भारत पहुंचेगा। अमरीकी वफद दुवल्ले आर्थिक विज्ञानिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेगा। उन्होंने दफ्तर के इस दौरे संबंधी बयान जारी किया गया। इस कहा गया है कि यात्रा दौरान जोन योसफ अमरीका और भारत विचाले आर्थिक विज्ञानिक सभ्याचारक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली का पहला मोशन पोस्टर होया रिलीज़। अक्षय कुमार और रकुलप्रीत सिंह स्टार ऑफ फिल्म कठपुतली तमिल फिल्म रतसासन का हिंदी रीमेक है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर उड़िया अफवाहों तो बाद बीवी बच्चे हुए परेशान। मैनेजर ने दिता हैल्थ अपडेट। डॉक्टर राजू को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर उन्होंने अपनी निगरानी हेठ रख रहे हैं।
रणबीर ते आलिया दी फिल्म ब्रह्मास्त्र दे गाने डांस का पूत दा टीजर होया रिलीज़। एनर्जी भरपूर नजर आए एक्टर्स यान मुखर्जी दे इस टीजर दा वीडियो सोशल मीडिया ते शेयर कीता। डांस का पूत दे टीजर च रणबीर जोशीले अंदाज झूलदे नजर आए। बॉलीवुड सितारिया ने लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी दित्तियां वधाइयां। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया से वीडियो शेयर करके प्रशंसकों को कृष्ण जन्माष्टमी की वधाई दी। हेमा मालिनी ने भी तस्वीर शेयर करके दी वधाई। टीवी अदाकारा किम करदाशियां ते उसकी धी का मजेदार वीडियो वायरल। किम करदाशियां ने इंस्टाग्राम ते जो वीडियो शेयर किया उसके अपनी 9 साल की बेटी नॉर्थ वैसट के नाल है। दोवें इकट्ठे एक कार दे विच जा रहे हैं जिथे वह एक गीत गा के खूब मस्ती कर रही है। शुरुआती कारोबार च अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे टुट के 79.76 ते खुलिया। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार विच रुपया अमरीकी डॉलर के मुकाबले 79.75 ते खुलिया। फिर पिछले बंद हो के मुकाबले 12 पैसे की गिरावट के 79.76 ते आ गया। शुरुआती कारोबार च सेंसेक्स 113 अंक वध के 60,411.20 पहुंच गया। BSE का 30 शेयर वाला सूचक अंक शुरुआती कारोबार च 113.2 अंक चढ़ के 60,411.20 रहा। आम जनता नूं राहत। पेट्रोल और डीजल दी कीमतां दे विच नहीं कोई बदलाव। इंडियन ऑयल कारपोरेशन दे नोटिफिकेशन मुताबिक दिल्ली च पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.62 रुपए प्रति लीटर दे हिसाब दे नाल विक रहा। मुंबई दे विच 1 लीटर पेट्रोल 106.31 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 94.27 रुपए प्रति लीटर मिल रहा। अप्रैल तो जुलाई दरमियान सोने की आयात 6.4% बढ़ के $13 अरब हुई। अधिकारत अंकड़ों के अनुसार वित्तीय साल 2021-22 के इस म्याद के 12 अरब डॉलर का सोना आयात किया गया। तीजी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड समेत होर तकनीकी टेस्टिंग हुई शुरू। नवी वंदे भारत ट्रेन चंडीगढ़ मोहाली सानेवाल रेल सैक्शन से वक्त स्पीडा से चला के की जा रही है चैक। रेलवे तो प्राप्त जानकारी अनुसार नवी वंदे भारत में फिलहाल 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के चला के टेस्ट किया जा रहा। खेडों के सूबे का नाँ उच्चा करने वाले खिडारियों को सरकारी नौकरियां देने की तैयारी। पंजाब सरकार ले आ रही है नवी नीति। मुख्यमंत्री भगवंत मान अनुसार अजिहे खिडारियों को नौकरियां देने की व्यवस्था की जा रही है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेड मैचों के सूबे का नाँ रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दूजे वनडे च नीदरलैंड 7 विकटों के नाल हराया। पहला बल्लेबाजी करदा नीदरलैंड की टीम पाकिस्तान को 187 दौड़ों का टीचा ही दे सकी। इस जित के नाल पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज च 2-0 की बढ़त बना ली है। प्रज्ञानंद ने नीमन नूं हराया लगातार तीजी जित दर्ज की। 17 साला भारतीय खिडारी विश्व के नंबर 1 खिडारी मैगनस कार्लसन के नाल चोटी ते बरकरार है। दोवां दे बराबर 9 अंक ने। अंडर 20 चैंपियनशिप च भारत का शानदार प्रदर्शन। 7 तगमे जीते। भारत फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग 112 अंक के नाल तीजे स्थान पर रहा जबकि ईरान और अमरीका पहले और दूजे स्थान पर रहे। महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण ने रचा इतिहास। अजिहा करने वाली भारत की पहली खिडारन बनी। इस क्वालीफाइंग मैच के मनीषा ने 60वें मिनट के सिपारस की मरलिन जॉर्जिया के बदल के वजो खेडन का मौका मिलया।